देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा, जिसमें हर बार नए टॉपिक के साथ में हम हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज, जिससे हम बात करने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर राजीव अवस्थी, जो कि MD मेडिसिन है। तो सर, आपका हमारे प्राइम टीवी के शो हेल्थ मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, हम लोग हर बार अपने हेल्थ मंत्रा में कुछ टॉपिक्स ऐसे लेते हैं जिसपे लोगों को जानकारी तो होती है, पर पूरी जानकारी ना होने की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो डायबिटीज़ वैसे तो एक आम बीमारी है, लोगों को अधिकतर इसके बारे में पता रहता है, लेकिन फिर भी हम आपसे डायबिटीज़ पर आज बात करने वाले हैं। और हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले डायबिटीज़ को आप एक्सप्लेन करिए कि डायबिटीज़ होता क्या है। श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर की मात्रा शरीर में जो निर्धारित अंक हैं उनसे ज़्यादा होने लगती है। इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया, जिसके लिए सर्वसम्मति से इंटरनेशनल बॉडीज़ ने काम किया और उन्होंने एक ऐसा मानक तय किया कि हम कब कहेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो शुगर की मात्रा खाली पेट अगर 112 से ऊपर होती है तो उसको कहते हैं कि इसमें डिसऑर्डर शुरू हो गया। लेकिन डायग्नोसिस के लिए डायबिटीज़ की 124 से ऊपर खाली पेट की शुगर और खाना खाने की बाद वाली शुगर अगर लगातार एक या दो या तीन बार 200 से ऊपर आती है, तब डायबिटीज़ की डायग्नोसिस को कहते हैं कि खाना खाने के बाद वाली शुगर। 140 से लेकर के और 199 तक की जो शुगर होती है उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के नाम कहते हैं कि अभी आपके अंदर ग्लूकोज को ठिकाने लगाने की क्षमता कम हो रही है। तो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस ब्लड शुगर के फास्ट की खाली पेट और भरे पेट की शुगर नापने से होती है, ग्लूकोज लोड देने के बाद से भी टेस्ट होते हैं, और एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं HbA1c। ये पिछले 3 महीनों में शुगर का औसत स्तर क्या है उसके बारे में बताता है। तो किसी भी मरीज में अगर 6.5 के अंक से ऊपर HbA1c होता है तो उसको डायबिटिक पॉपुलेशन कहते हैं। जी, अच्छा डॉक्टर, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि शुगर और डायबिटीज अलग अलग होते हैं, क्या ऐसा है? देखिए, हिंदी में इसको शुगर की बीमारी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डायबिटीज कहते हैं, दोनों बीमारी एक ही है। मूल बात समझने की ये है कि शुगर इसमें डायबिटीज़ में जो विकार होता है उसका ये सिर्फ एक अंग है। डायबिटीज़ में ना केवल शुगर बल्कि शरीर में जो वसा होती है जिसको फैट कहते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म में भी गड़बड़ी आ जाती है, और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होने से शुगर बढ़ने लगती है, शरीर में ऐसे विकार हो जाते हैं कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर से जो स्वयं नियंत्रण शरीर का होता है वो खत्म होने लगता है, वो गड़बड़ होने लगता है। अच्छा डॉक्टर, ये है कि डायबिटीज़ होने का कारण क्या होता है? क्या बेसिकली जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं क्या सिर्फ उन्हीं को ही डायबिटीज़ होती है, या किसी और रीज़न की वजह से भी? जी, ये भ्रम काफ़ी लोगों में सुनने में आता है कि मैं शुगर नहीं खाता हूँ तो मुझे डायबिटीज़ क्यों होती है, मैंने तो कभी शुगर नहीं खाई। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि देखिए, मोटे तौर पर दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं। इसको पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, दूसरा टाइप 2। आम भाषा में जो हम लोग जिन डायबिटीज़ को रोज़मर्रा देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसके मरीज़ 90 से 95% तक मरीज़ जो आप देखते हैं वो ज़्यादातर लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। इसका कारण अभी पूरी तरह से किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें अनुवांशिक, आपके परिवार में अगर किसी को डायबिटीज़ है, आपके माँ के साइड से या पिता की साइड से, या माता पिता को डायबिटीज़ अगर दोनों को है, तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। खराब लाइफस्टाइल से डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट होने का, तनाव, भोजन, अनियंत्रित भोजन और
एक्सरसाइज की ना करने की जो आदत हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, शारीरिक विश्राम के ऊपर, हम लोग टीवी देखते हैं तो भी रिमोट से देखते हैं सोफे के ऊपर, हम लोग अगर 100 मीटर भी कहीं जाना होता है कोई किसी से मिलने के लिए या किसी काम करने के लिए, तो हमेशा किसी न किसी वाहन की तलाश में रहते हैं। तो इसीलिए ये शारीरिक अकर्मण्यता एक बहुत बड़ा एक कारण है, स्ट्रेस और खाने पीने में बहुत व्यापक परिवर्तन, रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा हम लोग खाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाने लगे हैं जिसमें कि चर्बी बहुत होती है, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ड्रिंक्स में, खाने में, इसीलिए ये सब कारण होते हैं कि जिसकी वजह से डायबिटीज़। और हाँ, इस बात से इनकार नहीं है कि अनुवांशिक असर भी होता है इसमें। बाकी डॉक्टर, जैसे है कि हम डायबिटीज को पहचान कैसे सकते हैं, जैसे कोई लक्षण की बात करते हैं तो किस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि ये डायबिटीज के ही लक्षण है, ताकि हम समय रहते डॉक्टर से कंसर्न कर सकें। ज़्यादातर जो आम मरीज होते हैं डायबिटीज के, उनकी उनको बहुत सारे लोगों को कोई भी लक्षण नहीं होता। लक्षण ज़्यादातर जब होते हैं जब शुगर की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड में खून में बढ़ जाती है, तो मुंह का सूखना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बार बार पेशाब के लिए जाना, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान लगना, शरीर में दर्द होना, बार बार इन्फेक्शन होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों से काफ़ी परिचित हैं। और कई बार मरीज जब इस तरह के लक्षण होते हैं तब डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं कि अचानक वज़न कम होने लगता है, जिसके जिसकी वजह से सशंकित हो जाते हैं कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। परिवार में अगर डायबिटीज़ होती है तो बहुत से लोगों को थोड़ा अंदाज़ रहता है कि इस तरह के लक्षण अपने माँ बाप या अपने परिवार के लोगों में देखते हैं तो सशंकित हो जाते हैं। बहुत बड़ा नंबर डायबिटीज़ की डायग्नोसिस जब होती है, जब वो किसी अन्य बीमारी के लिए जाते हैं और उनका टेस्ट कराया जाता तो उसमें पता लगता है कि उसमें शुगर बढ़ी हुई है। तो ये सब वजह हैं। कुछ लोग ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं, कुछ लोग हार्ट की प्रॉब्लम के लिए आईसीयू में एडमिशन होता है, तो वहाँ जब टेस्ट होता तो पता लगता है कि डायबिटीज़ है। तो ये सब माध्यम है। डायबिटीज़ के लेवल क्या है, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि खाली पेट की शुगर जब लगातार 124 से ऊपर बढ़ी रहती है, खाना खाने के बाद की शुगर लगातार जब 200 से ऊपर बढ़ी रहती है, HbA1c 6.4 से जब ऊपर जाने लगता है तो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होती है। बाकी डॉक्टर, ये है कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उससे और क्या-क्या चीज़ें और क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्या-क्या उस पेशेंट को सरवाइव करना पड़ सकता है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न पूछा। आप इस तरह से समझिए कि जो डायबिटीज़ है वो जननी है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, गुर्दों की प्रॉब्लम के लिए, ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए, नसों की प्रॉब्लम के लिए। डायबिटीज़ को आप दीमक की तरह समझिए, वो धीरे धीरे शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाती है। जो बड़े बड़े अंग होते हैं उनके नुकसान दिखने लगते हैं, छोटे अंगों के नुकसान ज़रा देर में दिखते हैं। जो लेकिन इसलिए होता है क्योंकि शरीर का हर एक सेल उसको सरवाइव करने के लिए, उसको नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, सामान्य प्रक्रिया अपनाने के लिए उसको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ी होने के बावजूद भी शरीर के जो सेल्स हैं, जो ऊतक हैं, वो उस शुगर को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनमें सेल डेथ होने लगती है। तो धीरे 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 एक एक करके, एक के बाद एक, दूसरा दूसरे के बाद तीसरा, उनमें नुकसान बढ़ता जाता है। पता जब लगता है, जब नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके जो लक्षण हैं वो पैदा होने लगते हैं। जैसे धीरे धीरे हार्ट को सप्लाई करने वाली खून की नलियाँ जब सक्रिय होती जाती हैं तो एक समय ऐसा आता है कि खून जा ही नहीं पाता। तो जब मरीज़ पैदल चलता है तो उसे सीने में दर्द होने लगता है, उसकी सांस फूलने लगती है। इसी तरीके से शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंग जैसे गुर्दा है, जैसे ब्रेन है, वहाँ भी सप्लाई जब धीरे धीरे कम होने लगती है तो वहाँ लक्षण पता लगते रहते हैं। डॉक्टर, बाकी ये है कि डायबिटीज का पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट स्पेशली कराए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्योंकि उसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं होती है तो सब अपने हिसाब से सब करवाने लगते हैं, तो वो भी हमें बताएं। मेरी सलाह ये है कि प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे संसार में डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है,
तो प्रत्येक व्यक्ति जिनके परिवार में अगर डायबिटीज़ है, उनको हर साल 30 वर्ष की उम्र के बाद ही या उससे पहले भी प्रत्येक वर्ष उनको अपनी सामान्य जांचें, जैसे खाली पेट और भरे पेट शुगर चेक कराना। अगर डॉक्टर की सलाह से, अगर डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की ज़रूरत है, तो आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं, जिसमें कि ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज का सामान्यता लोड दे करके उसके बाद शुगर चेक की जाती है, उससे डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होती है। HbA1c एक टेस्ट होता है, उसको टेस्ट करने से टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होती है। तो ये 3 मुख्य टेस्ट हैं जिनके माध्यम से फास्टिंग PP, जिसको कहते हैं खाली पेट और भरे पेट की शुगर, HbA1c और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा, आपने मुझे टेस्ट के लिए बोला, एक पीपी फास्टिंग टेस्ट होता है, तो उसका खाली पेट और उसके खाने के बाद, मतलब उसमें कितना डिफरेंस, टाइम डिफरेंस होना चाहिए? जी, बहुत अच्छी बात है। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहता है कि रात के आखिरी खाने से कम 10 से 11 घंटे का फर्क होना चाहिए, तो उसमें वो फास्टिंग शुगर का सही लेवल आता है। और खाना शुरू करने से 2 घंटे बाद जो शुगर नापी जाती है, या खाना ख़त्म करने के 1.5 घंटे बाद, उससे उसको पीपी शुगर कहते हैं, पोस्ट प्रांडियल शुगर, जिससे कि खाना खाने के बाद की शुगर की डायग्नोसिस, मतलब लेवल पता लगता है, उससे डायग्नोसिस होती है। तो रात के खाने से सुबह जब आप शुगर चेक कराएं फास्टिंग, तो कम से कम 10 घंटे का गैप हो, और खाना खाने के बाद शुगर, जो खाना शुरू करने से 2 घंटे बाद। तो ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये कन्फ्यूजन, क्योंकि डाउट होता है, क्योंकि कई बार हम जब डॉक्टर्स के पास में जाते हैं तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी से बोलते हैं 1 घंटे बाद खाना खा के आइएगा, या किसी से बोलते हैं 1.5 घंटे बाद आइएगा, तो लोगों को ये नहीं मालूम होता। अगर उनको सही गाइडलाइन होगी तो वो सही से अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। बाकी डॉक्टर, ये है कि अगर हम समय रहते डॉक्टर से सही टाइम पे अगर हम कंसल्ट ना कर पाए, जैसे अगर किसी को अंदेशा लग रहा है, जैसे आपने लक्षण बताए हैं, उनके रहते हुए भी अगर टाइमली अगर हम डॉक्टर से कंसर्न नहीं कर पाए, तो और कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस बहुत लेट होती है। मेडिकल साइंस में एक हम लोग कहते हैं कॉमन सॉइल थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि जमीन एक ही है, वहीं से ये बीमारियां उपजती हैं। तो कॉमन सॉइल थ्योरी में कहते हैं, जैसे ही टाइप 2 डायबिटीज़ के डिफेक्ट आने शुरू होते हैं, उसी के साथ साथ हार्ट में प्रॉब्लम जो शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, खून की नलियां सक्रिय होने लगती हैं। तो अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस में लेट हो जाते हैं, तो अक्सर मरीजों में ये देखा गया कि वो हार्ट अटैक के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं, और उनको तब ये पता जानकारी होती है कि उनको डायबिटीज़ है। कई बार लकवा मार जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, उसे पता लगता है कि मेरी मेरे मुझे डायबिटीज़ है। कई बार पेशेंट की किडनी में खराबी आ जाती है, और उसके जब पूरे टेस्ट होते हैं तो पता लगता है कि मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं एक किसी भी व्यक्ति को सही तरीके से लाइफ जिंदा रहने के लिए, वो है हृदय, मस्तिष्क और किडनी, उसकी गुर्दे। तो अगर इन 3 किसी वाइटल ऑर्गन में, अगर किसी में महत्वपूर्ण में अगर नुकसान हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी कम हो जाती है। मेडिकल साइंस में एक कहावत है, एक जनरल एक रेफरेंडम है, कि अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक से अगर इलाज नहीं करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी ऊपर से 10 से 20 साल कम कर देती है। अगर आपकी भगवान ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने अगर आपको 100 साल जीने के लिए अगर उम्र दी है, तो आप 80 साल में हो जाएंगे, आप अपने हाथों से 20 साल कम कर लेंगे उसको। इसलिए डायबिटीज का, या किसी, फॉर दैट मैटर, मतलब उस मामले में समझिए, किसी भी बीमारी का इलाज करने का मुख्य ध्येय होता है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकें, कैसे स्वस्थ तरीके से जिंदा रह सकें। बाकी सर, जैसे ये भी बोला जाता है कि ब्लड शुगर चाहे कम हो या ज्यादा, वो हार्ट और किडनी पर खतरनाक ही रहता है। जी देखिए, अगर एक शरीर में प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं नॉर्मल एजिंग, उम्र को तो सभी की बढ़ेगी, और उम्र बढ़ने के साथ साथ
हर सेल में बॉडी के, शरीर के, वो या तो वो खून की नलियां हो, या वो किडनी हो, या हार्ट हो, ब्रेन हो, सभी में एजिंग होगी। ये सब बीमारियां जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस तरह की बीमारियां इस एजिंग को बहुत ज़्यादा गति दे देती हैं। तो जो चीज़ जितना आपके अंग का जो एजिंग 10 साल में होना चाहिए, वो 4 3 4 साल में ही उतनी एजिंग करा देगा। इसीलिए अंगों में दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो इसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमको शुरू से ही, अगर शुगर बढ़ी रहेगी, अगर किसी की शुगर, अगर मान लीजिए नॉर्मल से 10% बढ़ी रहती है, तो उसको उस तरह का नुकसान देगा। उससे भी ज़्यादा बढ़ी रहती है तो नुकसान की मात्रा बढ़ जाएगी। कम होने पे शुगर भी नुकसान होता है, इसकी चर्चा हम लोग अभी बाद में करेंगे। जैसा ये है कि बोला जाता है बच्चों का और बुजुर्गों का जो शुगर लेवल है वो कितना होना चाहिए? बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी का शुगर लेवल एक स्टैंडर्ड है, जिसकी बारे में अभी मैं बता चुका हूँ कि जिन मरीजों को, जिन व्यक्तियों को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, अगर शुगर नहीं होती है तो सामान्यतः खाली पेट की शुगर उसकी 70 से लेकर के और 80 90 के बीच में ज़्यादातर पाई जाती है, ये देखा जाता है। तो इसके पहले अभी कहते थे कि नॉर्मल शुगर का लेवल जो खाली पेट है उसको कहते थे 80, और खाना खाने के बाद वाली 120। ये एक कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से चला आ रहा था, एक नॉर्मल रेंज है, इस रेंज के अंदर लोगों की शुगर रहती है। खाली पेट वाली शुगर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70 से लेकर के और 100 के बीच में ज़्यादातर लोगों की पाई जाती है। और जिनको शुगर नहीं है, जिनको डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है, और खाना खाने के बाद वाली शुगर अमूमन 110 से लेकर के और 130 और 140 के बीच में पाई जाती है। बाकी डॉक्टर ये है कि अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे ब्लड शुगर अगर कम होता है या ज़्यादा होता है, उस दौरान अटेंडमली हम लोग को क्या चीज़ करना चाहिए? देखिए, डॉक्टर की सलाह इसमें बहुत ज़रूरी है। अपने आप से कुछ ही चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ी रहती है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह से जो दवाएं आपको प्रिस्क्राइब की जाएं, जो आपको दवाएं बताई जाएं, उन दवाओं का नियमित सेवन करना चाहिए। साथ में आपको कितनी मात्रा में आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको वॉकिंग करने के लिए बताया गया है, या आपको जिम में एक्सरसाइज करने के लिए बताया जाता है, या आपको स्विमिंग या इस तरह की किसी भी तरह की शारीरिक एक्सरसाइज करने के लिए आपको कहा जाता है, आपको खाना क्या खाना है, इसके लिए भी आपको समुचित जानकारी दी जाती है। अलग अलग लेवल पे डॉक्टर्स भी बताते हैं, डायबिटीज़ एजुकेटर हैं वो लोग भी बताते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जो, जहाँ लोग, जो लोग गूगल देखने के शौकीन हैं वो एक्सेस करते हैं, वहाँ भी बताया जाता है कि क्या किस तरह का खाना है। तो तीनों चीज़ों का समावेश होने से ये होता है। तो ये रही बात बढ़ी शुगर की। जिन लोगों को शुगर है, अगर उनकी शुगर कम हो जाती तो उसके लक्षण ये हैं कि तुरंत चिड़चिड़ापन, कमजोरी, एकदम से पसीना निकलना, थकान लगना, नींद आने लगना, बेहोशी सी आने लगना, या दिमाग में कन्फ्यूजन वाली स्टेट पैदा होना। इससे जो डायबिटिक हैं वो जानते हैं कि हमारी शुगर लो हो रही है, तो उनको तुरंत ग्लूकोज या चीनी, जो भी चीज़ उपलब्ध हो, उनको एक ग्लास पानी के साथ में कम से कम 15 से 20 ग्राम शुगर लेने से इनिशियल लेकर के, और उसके बाद वेट करना चाहिए। इस तरह के जो डायबिटिक्स हैं, जो पुराने हैं, जिनको जावित ज़्यादा दिनों से डायबिटीज़ है, आम लोगों के इधर पर ग्लूकोमीटर, जो शुगर नापने वाला जो मशीन होती है वो होती है, उससे अपनी तुरंत ग्लूकोज को नापना चाहिए। अगर एक या दो बार शुगर देने के बाद भी अगर मरीज़ की तबीयत नहीं ठीक होती तो तुरंत उसको व्यवस्था करके अस्पताल ले जाना चाहिए। वहाँ पर नस के द्वारा ग्लूकोज चढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे इंजेक्शन, जैसे एक ग्लूकागॉन एक दवा होती है, उसका इंजेक्शन देते हैं, जिससे सीरियस जो लो शुगर होती है, बहुत गंभीर रूप से जो गिरी हुई शुगर होती है, उसको ऊपर उठाते हैं। देखिए, बढ़ी हुई शुगर धीरे धीरे नुकसान करती है, लेकिन अगर अचानक शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो उसमें कभी कभी मरीज की जान जाने का खतरा भी रहता है, या परमानेंट दिमाग में नुकसान होने का खतरा रहता है। इसलिए लो शुगर को इमरजेंसी बेसिस पे इलाज करते हैं। जी डॉक्टर, डायबिटीज़ जो है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है या फिर कोई पर्टिकुलर एज होता है कि अब हमारी एज 30 से ऊपर हो गई है या 40 से ऊपर हो गई है, या छोटे बच्चों में भी देखने के लिए मिलता है कि उनको भी डायबिटीज़ हो जी, सकता बहुत है? अच्छा सवाल पूछा।
अगर हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ इस समय सारे संसार में ये स्थिति आ पहुंची है, इतनी भयावह स्थिति आ चुकी है। मेरे अपने खुद के ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें कि 10 से 12 साल के बच्चे भी टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हो गए, जिनमें इंसुलिन की मात्रा तो बहुत कम नहीं होती है, लेकिन इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है, उसकी इंसुलिन के खिलाफ प्रतिरोध है शरीर में, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। यंगेस्ट जो सबसे कम उम्र का जो टाइप 2 डायबिटीज़ वर्ल्ड में रिपोर्टेड है, जो है वो 8 के साल के आसपास का ये जो है रिपोर्ट किया गया, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। लेकिन ये देखा गया है कि यंगर एज ग्रुप वाले, जो 15 से लेकर के 20 साल वाले और 20 से लेकर के और 25 साल वाले की एज ग्रुप में अचानक धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज़ का नंबर बहुत बढ़ने लगा है। अगर आप ये देखें कि हिंदुस्तान और चाइना के अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश के और साउथ ईस्ट एशिया के की अपेक्षा यूरोप में और अमेरिका में जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है। थोड़ा सा हमारे इधर जो एवरेज, जो मेरे संज्ञान में, मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से, मैं जो अमूमन जो लोग होते हैं वो 35 से और 50 साल के बीच में लोग होते हैं, ज़्यादातर उनमें डायबिटीज़ पाई जाती है। वैसे तो डायबिटीज़ किसी भी एज में हो सकती है, 60 वर्ष के बाद भी हो सकती है, 70 वर्ष के बाद भी हो सकती है, 80 वर्ष के ऊपर बाद भी हो सकती है। तो इसीलिए हमको जो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, जो अभी तक विलुप्त हो गया था, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते थे कि जैसे हम लोग अपनी कार की, अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल की हर साल हम लोग या 6 महीने में एक बार सर्विस कराते हैं, क्योंकि वहाँ तो किताब हमको मिल जाती है कि हर 6 महीने में आपको सर्विस कराना है, साल में सर्विस कराना है, इसका ऑयल चेंज कराना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग अपने शरीर को इतना ऐसे मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, हमको कुछ नहीं होगा, हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बीमारी की परिभाषा तभी देते हैं जब हम शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं या हमारे रोजमर्रा की दिनचर्या में बाधाएं पहुंचने लगती हैं, या हम किसी तरह के दर्द से पीड़ित हो जाते हैं, तभी हम अपने आप को बीमार समझते हैं। तो हमको इस सोच को बदलना होगा। जिस तरीके से ये टाइप 2 डायबिटीज़ की महामारी ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में फैल रही है, हमको सचेत रहना पड़ेगा। हमको नियमित रूप से अपनी जांच, हमको कोई भी बीमारी ना हो लेकिन वर्ष में एक बार अपनी नियमित जांच कराने से हम लोग बहुत सारे संकटों से बच सकते हैं। और अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ होनी है और अगर उसको जल्दी पता लग जाती है, तो उसका इलाज और भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने का एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि अगर आप समुचित ध्यान देते हैं अपनी डायबिटीज़ का, तो आप उतनी ही अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं जितनी बिना डायबिटीज़ वाला व्यक्ति बिताता है। बाकी डॉक्टर, जैसे अभी आपने ग्लूकोमीटर की बात की थी कि हम घर पे ग्लूकोमीटर रख के डायबिटीज़ को चेक कर सकते हैं, जिससे हमें टाइम टू टाइम हमको पता चल जाएगा कि हमारा शुगर लेवल कितना है। इन केस अगर ग्लूकोमीटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उस दौरान हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि डायबिटीज़ को हम कैसे जज कर सकते हैं घर पर? देखिए, ग्लूकोमीटर उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जिनको टाइप 1 की डायबिटीज़ होती है, जिनको इंसुलिन की मात्रा की बराबर आवश्यकता होती है। ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज़ है और साथ में कॉम्प्लिकेशन है, परेशानियां हैं, किडनी में खराबी है, हार्ट में खराबी है, ब्रेन में खराबी है, जिनको अपनी डायबिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से संयत और संभाल के रखनी होती है, उनको एक नियमित ग्लूकोमीटर की आवश्यकता होती है। हर डायबिटीज़ के मरीज़ को ग्लूकोमीटर रखने की आवश्यकता नहीं है। वो लैब में जा करके, आप किसी भी अच्छी लैब में जा करके अपना खाली पेट और भरे पेट शुगर की जांच करा सकते हैं। जिनको नहीं डायबिटीज़ है, वो डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पता लगाने के लिए नियमित साल में एक बार करा सकते हैं। जिनको शुगर की बीमारी है, वो अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार, वो जितने समय के अंतराल में आपसे बताएं कि आप इतने समय समय पर अपनी जांच कराते रहें, तो आप लैब से भी जांच करा लेते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जो लंबे समय से डायबिटीज़, जिनको 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल की डायबिटीज़ हो गई है, जो कई सारी मल्टीपल गोलियों में हैं, जिनमें ये शंका बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी इन्फेक्शन के दौरान या किसी
और ऐसी संभावना कि खाना ना खाया, कई बार व्रत उपवास रख लिए। मुस्लिम भाइयों में रमज़ान के दौरान शुगर काफ़ी लो होने का खतरा रहता है, वो उससे संभावित होकर के वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो कई बार ये देखा गया कि हम लोगों का ऑब्जर्वेशन ये है कि रमज़ान में घटती बहुत कम लोगों की शुगर है, लेकिन बढ़ बहुत लोगों की जाती, क्योंकि वो डर के वजह से ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी। तो ऐसे मरीजों को इस तरह के समय में अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी दवाओं की मात्रा और दवाओं का टाइप बदलवा लेना चाहिए, और सबको ग्लूकोमीटर रखने की आवश्यकता नहीं है, वो लैब में जाके करा सकते हैं जांच। बाकी डॉक्टर ये है कि जैसे डायबिटीज होने से पूरे बॉडी पे असर पड़ता है या कोई किसी पर्टिकुलर अंग पर ये ज्यादा अफेक्टिव रहता है? मैंने आपसे बताया, शरीर आपका आपका शरीर जो है छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। किसी भी सेल की ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज होता है, उसे जिंदा रहने के लिए हर सेल को ग्लूकोज की जरूरत होती है। इसीलिए जब ग्लूकोज से संबंधित बीमारी डायबिटीज की होती है, उसका प्रभाव शरीर के हर सेल पे पड़ता है। जो अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी जिनके अंदर जरा सी भी खराबी आने से शरीर में तुरंत, यहाँ तक कि उसकी जान पर भी खतरा होने को होता है, उन अंगों में लक्षण जल्दी पैदा पता हो जाते हैं। आप सोचिए कि डायबिटीज में कोई भी ऐसा अंग नहीं जहां पर खराबी ना हो। आपकी आंतों में, लिवर में, आंखों में, शरीर की खाल में, यहाँ तक कि हड्डियों के अंदर भी कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां पर डायबिटीज का असर ना आता हो। इसलिए हम लोग इसकी तुलना दीमक से करते हैं कि धीरे धीरे शनै शनै ये पूरे शरीर को चाट जाता है। तो हमको इससे बचने का ये बहुत ही सरल उपाय है, भोजन पे कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज और डॉक्टर द्वारा निर्देशित दवाओं की उचित मात्रा लेना और समय समय पर टेस्ट कराना। आपकी लंबे जीवन के लिए इतना ही फॉर्मूला बहुत बड़ा है, काफी है। जी, अब डॉक्टर आपने जब भोजन और एक्सरसाइज की बात की है तो हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से जो डायबिटिक पेशेंट है, मतलब उनको किस तरीके का खान पान रखना चाहिए, किस चीज़ से परहेज करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेस वगैरह होनी चाहिए, तो उसके बारे में बताएं। न्यूट्रिशन, हर एक डायबिटीज का मरीज हो या जिसको डायबिटीज नहीं है, अन्य कोई बीमारी है या नहीं भी बीमारी है, तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट। आप हमारे आपके जिंदा रहने के लिए शरीर को उचित मात्रा में भोजन, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों की समुचित मात्रा एक निर्धारित की गई है, और इसका निर्धारण अब हम लोग चूंकि टाइप 2 डायबिटीज से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे हैं, तो उनके संबंध में हम बात करेंगे कि डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, हेल्थ और है फूड काउंसलर्स होते हैं, न्यूट्रिशनल काउंसलर्स होते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं आपका वजन, आपकी दिनचर्या और आपकी बीमारी का स्तर, इसके हिसाब से निर्धारित करते हैं कि आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है प्रतिदिन, और वो उस ऊर्जा को वो कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए और कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इसकी मात्रा निर्धारित करते हैं, उसका वास्तविक रूप उसको देते हैं। हम खाते, हम लोग अपने परिप्रेक्ष्य में सोचें तो हम लोग रोटी, दाल, चावल के बारे में जब बात करते हैं, सब्जियों के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा भोजन है, तो इसमें किस चीज़ की कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये वो लोग निर्धारित करते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अब रही बात जहाँ तक एक्सरसाइज करने की है, तो सोने से लेटने से बैठना ज़्यादा अच्छा होता है, बैठने से खड़ा होना ज़्यादा अच्छा होता है, खड़ा होने से थोड़ा चलना ज़्यादा अच्छा होता है, चलने से थोड़ा सा तेज स्पीड में चलने से ज़्यादा अच्छा होता है, उससे दौड़ना ज़्यादा अच्छा होता है, खेल कूद हर तरह के। तो आप किसी भी तरह का व्यायाम करें, आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगा। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं, अमूमन उसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनमें बारे में पता नहीं रहता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में हृदय रोग होता है, तो वो उनको जो है एक्सरसाइज अपने डॉक्टर सलाह की सलाह से करना चाहिए। डॉक्टर चूंकि आपका परीक्षण करते हैं, उनको ये मालूम होता है कि आपका हार्ट कितना स्वस्थ है, आपकी गुर्दे कितने स्वस्थ हैं, आपका शरीर कितना स्वस्थ है, आपकी मांसपेशियां, आपके जोड़ कितने स्वस्थ हैं, आप कितनी एक्सरसाइज को और आपको कितनी ऊर्जा खर्च करनी है, आपको कितनी कैलोरी खर्च करनी है, आपकी एज,
आपका प्रोफेशन, आपका व्यवसाय क्या है। एक किसान अगर आदमी है जो दिन भर खेत में काम करता है, तो हम उसको दौड़ने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो दिन भर काम करके अपनी उतनी ऊर्जा खर्च करता है। तो हमको ये देखना है कि वो कितनी ऊर्जा दिन भर में खर्च करता है। तो आपका जो भोजन का, जो रोज मात्रा में भोजन ले रहे हैं और हमको कितनी ऊर्जा का खर्च करना है, इसका निर्धारण डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। औसतन आदमी को अगर ये देखा गया कि जो लोग 5,000 कदम से लेकर के 8,000 तक कदम चलते हैं, तो उनको जो लाभ है उनकी बीमारियों में, डायबिटीज में, शरीर के अन्य रोगों में मिलने लगता है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। तो जो एरोबिक एक्सरसाइज हैं, जिसमें कि भागना, दौड़ना, कूदना, तैरना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, और दूसरा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मसल ट्रेनिंग की भी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि पहले लोग दंड बैठक करते थे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पुशअप्स और स्क्वाट्स कहते हैं, ये अच्छी वेट ट्रेनिंग कराते हैं। आप अपने घर पर ही हल्के वजन को खरीद करके, डंबल्स को खरीद करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे मीडिया हैं यूट्यूब के माध्यम से, तरह तरह की एक्सरसाइज हैं जो अपने शरीर के वजन को इस्तेमाल करते हुए ही आप नियमित एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं आपको किसी महंगे जिम में ज्वाइन करने की, कोई आवश्यकता नहीं आपको महंगे जूते खरीदने की, कोई आवश्यकता नहीं आपको आर्टिफिशियल महंगे खाना खाने की। अपने ही खाने में प्रोटीन की, जो प्राकृतिक रूप से जो मिलता है, उसको करके ही आप बहुत अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। डॉक्टर, एक मेडिसिन्स की बात हम कर रहे हैं, तो मेडिसिन्स कौन सी बेस्ट मेडिसिन होती है? और डॉक्टर, ये होता है कि कई बार लोगों की सलाह मशवरा से मेडिसिन ले लेते हैं, तो ये सही है या नहीं? मतलब कि या डॉक्टर से ही, जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे तब तक नहीं लेना बहुत अच्छी चाहिए? आपने बात कही श्वेता जी। बहुत सारे मरीजों से मुलाकात दिन भर होती रहती है, तो उसमें से अगर जब हम लोग पूछते हैं कि आपने, जब आपको शुगर हुई, तो आप कौन सी दवा ले रहे हैं, तो वो बताते हैं आपको कि मैं ये दवा का सेवन कर रहा हूँ। जब आप उनसे पूछें कि आपको किस डॉक्टर ने आपको सलाह दी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, या तो मेरे घर में कोई खा रहा था तो मैंने उसमें से लेकर के खाना शुरू कर दिया, या मेरा दोस्त खा रहा था, या मेरे पड़ोसी खा रहे थे, या मेरे कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा हम ये दवा खा रहे हैं, आप भी वो दवा खाना शुरू करिए। कई बार बहुत गंभीर परिणाम होते हैं इस तरीके से दवा खाने से। दवाओं की मात्रा का निर्धारण, दवाओं की टाइप का, पूरी जो बीमारी की प्रोफाइल होती है कि आपकी टाइप 2 डायबिटीज किस तरह की है, उसके हिसाब, और आपको साथ में किस किस अंगों में नुकसान है, जब आप उस फिजिशियन के पास पहुंचते हैं, उस डायबिटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं, या उस एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं, तो वो ये निर्धारित करता है कि आपके लिए कौन सी दवा। हम लोग इसको कहते हैं मेडिकल साइंस में टेलर मेड प्रिस्क्रिप्शंस। एक प्रिस्क्रिप्शंस किसी भी दूसरे आदमी के द्वारा इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाना चाहिए, कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। उसमें ऐसी दवाएं होती हैं जो स्पेसिफिकली आपकी शरीर के आकार, आपकी बीमारी के स्तर, आपके अंगों के की किस कितने स्वस्थ आपके अंग हैं, आपको लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपके साथ में बीमारी क्या है, आपके परिवार में बीमारी चल रही है कि नहीं चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रिस्क्रिप्शन को बनाया जाता है। तो वो इसीलिए टेलर मेड प्रिस्क्रिप्शन होता है, और उसमें परिवर्तन भी आपके में होने वाले परिवर्तन के हिसाब से किए जाते हैं। तो कभी भूल करके भी कि इस तरह की दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब दवाएं भी पर्सन टू पर्सन, और वो किससे सरवाइव कर रहा है जी, तब डिसाइड किया बहुत सी जाता है। ऐसी दवाएं हैं जो शुगर को भी कंट्रोल करती हैं, हार्ट में भी फायदा पहुंचाती हैं। कुछ नई दवाएं ऐसी आई हैं जो शुगर को भी कंट्रोल करती हैं, हार्ट को भी फायदा पहुंचाती हैं, गुर्दों को फायदा पहुंचाती हैं, ब्रेन में होने वाले विकारों को बचाती हैं। तो मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट से बहुत सारी नई दवाएं ऐसी आई हैं, बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो वजन कम करने में सहायक होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को वजन कम करना एक वरदान की तरह साबित होता है। आप अगर वजन आपका ज़्यादा है, आपका बॉडी वेट आपके जो नॉर्मल बॉडी वेट से ज़्यादा है, अगर अगर अपने वजन को कहते हैं कि 10%, यहाँ तक कि अगर सिर्फ 5% भी अगर अपने बॉडी वेट को कम कर दें, तो उससे आपको बीमारी में बहुत ज़्यादा फायदा होने लगता है।
आकार भले ही आपका न बदले, भले ही आपको लोग न कहें कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत तंदुरुस्त लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं आप, लेकिन आपको बीमारी में फायदा पहुंचता है। कोशिश ये करना चाहिए कि जितना आपका जो आपके आपकी उम्र के हिसाब से, आपके शरीर की लंबाई के हिसाब से, आपका जो वजन, आपके लिंग के हिसाब से आप आदमी हैं या औरत हैं, जो भी हैं उसके हिसाब से जो निर्धारित वजन है, जितना आप उसके क्लोज रहेंगे उतना ही आपको फायदा पहुंचेगा स्वास्थ्य में। अच्छा डॉक्टर, ट्रीटमेंट से क्या हम परमानेंटली हमेशा के लिए डायबिटीज से निजात पा सकते हैं? बहुत आपने ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में था कि आप पूछें, और आपने पूछा, और आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि हमको, हम लोग डायबिटीज रिवर्सल, यानी कि हम उसको धक्का देके पीछे पहुंचा दें। और क्या ऐसा संभव है कि हम डायबिटीज क्योर करें? टाइप 2 डायबिटीज में अब हम लोग सोचने लगे हैं कि ऐसा संभव है कि अगर या तो हम पूरी तरीके से इसको खत्म कर दें, लेकिन ऐसा देखा गया कि हर एक व्यक्ति में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जो डिफेक्ट होते हैं, जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट होते हैं, जो जो आपके जो अंदर शरीर के अंदर होने वाली जो रासायनिक गतिविधियां हैं उनमें जो परिवर्तन हो जाते हैं, उनको वापस पूरी तरह से लौटा पाना संभव शायद ना हो, लेकिन इतना संभव हो सकता है कि आप अच्छे अपने भोजन की व्यवस्था को, जैसा कि आपके डॉक्टर बताएं, और रेगुलर एक्सरसाइज करके, एक सीमा तक एक्सरसाइज करके, अपना वजन घटा करके, अपने वजन को अपनी निर्धारित श्रेणी में ला करके करके आप, ये भी संभव है कि आप ता जिंदगी बिना दवा करें, सिर्फ अपने खाने में परिवर्तन और अपने एक्सरसाइज को रेगुलर करके भी आप अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपको, अगर आप आज 4 गोलियों में अगर आप कंट्रोल हैं, तो हो सकता है कि आप एक या आधी गोली में कंट्रोल हो जाएं। ये भी हो सकता है कि आपको 4-5 साल या 10 साल तक दवाओं की जरूरत ना पड़े डायबिटीज की डायग्नोसिस के बाद, उसके बाद आपको बहुत कम दवा से काम चल जाए। एक मेडिकल साइंस में टाइप 2 डायबिटीज में एक टर्म होता है जिसको कहते हैं लेगेसी इफेक्ट। लेगेसी इफेक्ट होता है, आपको परिवार से मिलने वाला, आपको आपकी अनुवांशिक से मिलने वाला लाभ, अगर आप अपनी डायबिटीज को शुरू, अपनी डायग्नोसिस के टाइम पे, सही टाइम पर डायग्नोसिस हो जाए, सही टाइम पे आपको पता लग जाए, और शुरू के 3-4 वर्ष, अगर 5 वर्ष अच्छे तरीके से कंट्रोल रखते हैं, तो ये देखा गया है कि ऐसे मरीजों में अंगों के नुकसान, जैसे गुर्दे को नुकसान, जैसे आंखों को नुकसान, हृदय को नुकसान, या ब्रेन को नुकसान, मस्तिष्क को लकवा मारने की बीमारियों की जो नंबर होता है बहुत कम होता है। इसको लेगेसी इफेक्ट कहते हैं। अगर हम शुरू से ही उसकी देखभाल अच्छी करेंगे तो वो बीमारी शरीर में उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसीलिए आपने जो बात पूछी डायबिटीज रिवर्सल की, डायबिटीज क्या क्योर हो सकती है, तो हाँ, अगर अभी नहीं तो हो सकता है कि आज से 5 साल बाद हम ऐसी चीज ला पाए जिसमें डायबिटीज पूरी तरह से क्योर हो। स्टेम सेल थेरेपी एक है जिसमें डॉक्टर लोग बहुत सीरियसली वर्क कर रहे हैं, पेंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो टाइप 1 के लिए वाले मरीजों को, जिनको डायग्नोसिस से ही हमेशा उनको, वो लोग बिना इंसुलिन के नहीं रह सकते, उनके लिए हम लोग इस तरह की रिसर्च चल रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह का एक आर्टिफिशियल पेंक्रियास शरीर में लगा दें जो बिल्कुल नॉर्मल पेंक्रियास की तरह से काम करे। तो लगातार इसमें रिसर्च चल रही है, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, लेकिन वो दिन जरूर आ गया है कि हम लोग अपने भोजन में और अपने व्यायाम में सही परिवर्तन करके डायबिटीज को बहुत लंबे समय तक बिना किसी दवा के कंट्रोल करने में समर्थ हो सकते हैं। बाकी डॉक्टर, जैसे आपने खाने और व्यायाम की बात करी है कि अगर हम उसको कंटिन्यूअसली करते हैं तो हम उस पे मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये है कि सर, कुछ लोग घरेलू उपाय भी करते हैं, वो कौन कौन से घरेलू उपाय रहते हैं जिससे हम डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं और कितने प्रतिशत तक वो कारगर रहते हैं? ये भी एक बड़ी ज्वलंत समस्या है कि लोग समझते हैं, मैं आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों ने करेले का जूस पीना शुरू किया, लोगों ने तरह तरह की पत्तियां खाई, लोगों ने मेथी खाना शुरू की, लोगों ने अजवाइन खाना शुरू की, कुछ लोग पनीर का फूल कहते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे इस तरह के टर्म सुने हुए हैं।
मेरा अनुभव ये कहता है कि जब तक आप अपने जीवन में समूल परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने खाने पीने में और जब तक आप अपने व्यायाम के जो शेड्यूल में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने इसको जीवन में समावेश नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ आपको लंबे समय तक सहायता नहीं कर सकती। आप कुछ भी घरेलू नुस्खे अपना लें, हो सकता है आपकी शुगर थोड़े समय के लिए कम हो जाए, लेकिन ये जो चीज़ें घरेलू जो नुस्खे हैं वो मेरे मेरे अपने अनुभव में डायबिटीज़ में हो सकता है शुगर कम करें, लेकिन प्रोटीन में होने वाले डिफेक्ट को दूर नहीं कर सकते, वो खून की रक्त की नलियों में होने वाले दुष्प्रभाव को कम नहीं कर सकते, वो लिवर में होने वाली गड़बड़ियों को ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एक ऐसा ही परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं, आप करेले का भी सेवन कर सकते हैं, आप अन्य मिलने वाले जो अपने हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो मिलने वाले हैं जो उनके, लेकिन हमेशा याद रखिए, आप उनको इस्तेमाल करने के बाद ये मत सोचिए कि आपने एक अमृत पा लिया है, ऐसा फार्मूला पा लिया है कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी तरह का काम करें, चाहे वो आप अपने देसी नुस्खे पे रहें या आप दवाओं पे रहें, लेकिन कभी अपनी जांच करना मत छोड़ें। इस भुलावे में मत रहें कि मैंने करेले का पानी पी लिया है इसलिए मैं अपना करेला मैंने खाना शुरू कर दिया, ये बीज खाना शुरू कर दिया तो मेरी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो गई, ऐसा नहीं है। आपके बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनके इस तरह की जो औषधियां हैं जो प्रचलित हैं काफ़ी, उनको खाने से शुगर कम हुई, कम होने के बाद वो निश्चिंत हो गए, उन्होंने जांच करना बंद कर दी और उसके बाद वो किसी न किसी दिन गंभीर समस्या में फंस गए। उनकी उन्होंने अपनी जांच कराई तो देखा गया उनकी शुगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी, क्योंकि वो हमेशा इस बात पे सोच रहे थे कि हमारी डायबिटीज़ अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो मेरा ये है कि हमेशा मार्गदर्शन में चलें और कभी भी उसकी तरफ से टेस्ट करना कभी बंद ना करें। आप अपना हमेशा ये देखें कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ, मुझे इससे फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी सर, आखिर में हम चाहेंगे आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। मैं अपने सभी दर्शकों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी आपका परिवार चलेगा, तभी ये देश चलेगा। देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। स्वास्थ्य अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं, किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है किसी भी तरीके से। तो इसको कभी भी इसके प्रति लापरवाह ना हो। स्वस्थ जीवन रहने के लिए दो बड़े मूल मंत्र हैं, भोजन और शारीरिक श्रम, इसको कभी मत छोड़ें। मानसिक शांति एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे जीवन का, तो उसको पाने के लिए जो भी आप अपनी प्रेयर, योग आसन और मेडिटेशन या जिस तरह से भी आपको प्राप्ति होती हो उसका जरूर करें। डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए संदेश है कि कभी भी लापरवाही अपनी बीमारी के प्रति ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से जो भी आपको समय समय पर सलाह दी जा रही है उसको पूरा पालन करें। इस बात का महत्व नहीं है कि कौन सा डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना समय स्थान अपनी नौकरी और काम की वजह से बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक बार ज्ञान प्राप्त कर लेंगे डायबिटीज़ के बारे में, एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। नियमित जांच, नियमित आहार, नियमित दवा, नियमित एक्सरसाइज, यही एक मूल मंत्र है इस बीमारी से बचाव का। जी बहुत बहुत शुक्रिया हेल्थ मंत्रा में अपना समय देने के लिए। थैंक यू श्वेता जी। आज के प्राइम टीवी के शो हेल्थ मंत्रा में हमने बात की डॉक्टर राजीव अवस्थी जी से, जिन्होंने हमें डायबिटीज से संबंधित काफी अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।